Another case of cheating in connection with the NEET UG exam is coming to the fore in Godhra. Five people have been arrested, including a principal and a teacher who are reportedly part of a gang. Now, they took money from candidates and told them to leave their answer sheets empty, promising that somebody else would fill in their answer sheets. The Godhra DM also learned of this and then made the arrests. Importantly, the police is now saying that the National Testing Agency is not cooperating in court, and 30 NEET aspirants have also been summoned. We're crossing over to my colleague Hiten to get us more details on this. Hitenji, aap ye bari nexus ke baare mein wo bata sakte hain? Bilkul, jo principal arrest hue Jai Jalaram school ke aur jo city coordinator bhi the NEET examination ke Purushottam Sharma, उन्होंने एक हाई कोर्ट गोधरा कोर्ट में एक पिटीशन बेल एप्लीकेशन फाइल की थी. उसके रिजेक्शन में कहीं ना कहीं कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में ये नोटिस किया है, जिस आधार पर गोधरा पुलिस की तरफ से रिटर्न में एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया है कि गोधरा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए ऑब्जर्वेशन में सीधे तौर पर कहा कि एनटीए का कोऑपरेट नहीं करना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है. एनटीए से सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की धांधलियाँ सामने आई है, करीब 30 कैंडिडेट प्रिंसिपल और उस टीचर जो मेन एक्यूज्ड है उस केस में, उन दोनों ने 30 कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया था, जिनसे करीब 7-7 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे और बाकी के 3-3 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद लेने थे. यानी कि 10-10 लाख रुपए में ये चीटिंग कराने की पूरी डील हुई थी. उस मामले में एनटीए से गोधरा पुलिस को वो जो 30 कैंडिडेट्स है उनकी ओएमआर सीट चाहिए कि आखिरकार इन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था उस एग्जामिनेशन में इन लोगों ने उन कैंडिडेट्स की तरफ से क्या कुछ फिल किया गया या फिर कोई चीटिंग भी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और रिजल्ट्स के आधार पर ऐसे तय नहीं किया जा सकता कि क्या 10 लाख रुपए देकर इन लोगों ने एग्जाम में जो चीटिंग करवानी थी वो चीटिंग हुई है या नहीं. हालांकि इस पूरी की पूरी धांधली का खुलासा जो है वो गोधरा पुलिस गोधरा कलेक्टर ने 5 तारीख को जब एग्जाम कंडक्ट हो रही थी पूरे देश में उसी दिन खुलासा किया था. कलेक्टर जब वहाँ पर नीट के सेंटर्स पर मुआयना करने के लिए गए हुए थे, उस दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ तरीके की गड़बड़ी है, जिसके बाद डीईओ गोधरा के डीईओ को कंप्लेनेंट बनाकर पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहा गया था. उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो करीब 5 नाम निकले थे, जिसके बाद 9 मई के दिन पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद जाँच लगातार तेज हो रही थी. एनटीए से कॉपरेशन लगातार चाहिए था, एनटीए से उन कैंडिडेट्स का आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए था, लेकिन एनटीए गोधरा पुलिस को किसी भी प्रकार का रिटर्न मेल का जवाब नहीं दे रही थी. उसके बाद गोधरा पुलिस ने एक तीन सदस्यों की टीम बनाकर दिल्ली भेजी थी एनटीए से उन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने. आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, जिसमें ये पता चला कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ कैंडिडेट्स थे, जिन लोगों ने फोर्सफुली गुजरात के गोधरा का ही वो नीट का सेंटर जो है वो लिया था, ताकि वो अपनी चीटिंग करके एग्ज़ाम जो है वो पास कर पाए. लेकिन अब उनकी ओएमआर सीट इस पूरे के पूरे केस में गोधरा पुलिस के लिए काफ़ी अहम हो जाती है, काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, वो मिल नहीं रही है, जिसका कहीं ना कहीं उल्लेख कोर्ट ने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए भी अपने जजमेंट में भी कहा है और पुलिस ने रिटर्न में भी ये कहा है कि एनटीए से कॉपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन एनटीए कॉपरेट नहीं कर रहा है. अब ऐसे में एनटीए के ऊपर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, सिर्फ ये एक इतना ही आरोप नहीं, दूसरा एक आरोप ये तक लग रहा है एनटीए के ऊपर कि एनटीए ने जब एग्जाम कंडक्ट करानी थी उस वक्त गोधरा में 4 सेंटर्स का सर्वेलेंस किया था. हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, again, very important details coming to light when it comes to this new cheating nexus that seems to be coming to light from Godhra.